हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से गोल्डन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +36 एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। तो टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -31 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस की ह्यू लेके जाएंगे। तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -26 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे हम -100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -25 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, कुछ ही स्टेप में हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेक्सचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे रखेंगे -10 एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, क्लैरिटी की वैल्यू को ज़्यादा नहीं यहाँ से रखेंगे हम +15 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें हमें HDR इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, तो DH की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड यहाँ से VNET की वैल्यू को हम माइनस क्यों लेके जाएंगे। तो गाइस, VNET की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -47 एंड यहाँ से मीड फॉन्ट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मीड फॉन्ट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, मैं ये चीज़ हमेशा बताता हूँ हर एक वीडियो में। तो इसे रखेंगे हम +10 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +70। अब इस फोटो को हम स्मूथ करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम डिटेल को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो इसे रखते हैं +18 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 16। अगर आपकी फोटो को ज़्यादा स्मूथ करने की जरूरी है तो इसकी वैल्यू को आप अधिक रख सकते हैं। एंड नीचे आते हैं, यहाँ पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करना है
एंड सिफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।